यार दोस्तों, मैं इस वक्त एंटीक्स के जो है ना वो स्टॉल पे हूँ और बड़ी ही लकड़ी से बनी हुई हैंडमेड चीजें और उसके ऊपर कशीदाकारी हुई है। बड़े प्यारे प्यारे डिजाइन है यहाँ पे आपको नए और सेकंड हैंड कपड़ों की मुकम्मल वैरायटी जो है वो भी मिलेगी। जस्ट 750 में आप देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त नेकलेस और उसके साथ इयर रिंग्स भी है। जैसे ही सेकंड हैंड कपड़ों की शॉप पे मैं जाता हूँ तो एक अजीब सी खुशबू जो है उसे जो भी कह लें एक स्मेल आती है, जैसे फरनाइल की नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैर वाफियत से होंगे। मेरे साथ जमल भाई हैं, ये गुजरात से सियालकोट वर्किंग के लिए वीकली बेसिस पे आते हैं, तो ये हर हफ्ते हमारे मेहमान होते हैं, तो इनको वेलकम कहेंगे। और प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों का मौसम जो है वो उसकी आमद आमद है, बाजार जो है वो जगह जगह पर सज चुका है। तो इसी सिलसिले में मैं एक मार्केट में आया हूँ जिसका नाम है सालाना सनती नुमाइश, तो वहाँ पे चल के आपको अंदर दिखाते हैं क्या रौनकें लगी हुई हैं, तो सारे नाज़िर आपको दिखाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। जी प्यारे दोस्तों, सालाना सनती नुमाइश का टिकट घर आपके सामने है। यहाँ पे कितनी भाईजान, 10 रुपये टिकट है? 10 रुपये में सिर्फ आपको जनाब एंट्री मिल जाती है यहाँ पे, और अंदर बड़ी जबरदस्त जो है ना वो आप शॉपिंग कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सालाना सनती नुमाइश सियालकोट में हर साल शमा परवाना सिनेमा के साथ ही बिल्कुल सजाई जाती है, जहाँ पर बर्तन, जूते, कपड़े, ज्वेलरी और खाने पीने की अशिया के स्टॉल लगाए जाते हैं। चलिए चलते हैं अंदर। जैसे ही आप एंट्री लेते हैं सालाना सनती नुमाइश की, तो सबसे पहले आपको बर्तनों का जो है वो स्टॉल जो है वो नज़र आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही एंटीक किस्म के और बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो है ना बर्तन और किचन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको जो मुनासिब कीमतों पर मिल जाती है। तो अभी ये नुमाइश जो है ना अभी इसकी शुरुआत है, जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे तो यहाँ पे जो है वो रश भी आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा। सर्दी जैसे जैसे पीक पे जाती है तो रश भी यहाँ पर पीक पे चला जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जो यूटेंसिल्स हैं, जो हाउस होल्ड यूज़ के लिए बर्तन और जो चीज़ें किचन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको यहाँ पर मुनासिब कीमत में मिल सकती हैं। जी प्यारे दोस्तों, मैं इस वक्त एंटीक्स के जो है ना वो स्टॉल पे हूँ और बड़ी ही लकड़ी से बनी हुई हैंडमेड चीज़ें और उसके ऊपर कशीदाकारी हुई है। बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइन है यहाँ पे, आप डेकोरेशन पीसीज और ये आप देखें हार्ट पार्ट कितने प्यारे हैं, कितनी एंटीक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आप सीनरीज हैं, कुछ वॉल क्लॉक हैं लकड़ी से बने हुए, और ये वॉल क्लॉक की एक मुकम्मल कैटेगरी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पे आए सनती नुमाइश में और यहाँ से आके शॉपिंग ज़रूर करें। और ये मग वगैरह, इन पे आप अपने नाम वगैरह जो है पिक्चर लगवा सकते हैं और अपना जो नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। और ये स्टॉल मैंने आपको दिखाया मग्स का और एंटीक्स का। यहाँ पे आपको नए और सेकंड हैंड कपड़ों की मुकम्मल वैरायटी जो है वो भी मिलेगी, ये आप कह सकते हैं लंडा बाज़ार या सेकंड हैंड कपड़े, और ये भी बिल्कुल सही हालत में और छांटी किए गए होते हैं। मेरे दोस्तों, ज्वेलरी की शॉप पे मैं इस वक्त आया हूँ, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त ज्वेलरी है यहाँ पे, बड़ी बड़े एंटीक पीस यहाँ पे अवेलेबल हैं। और भाई कीमत इनकी जो है वो, अगर मैं पूछूं कि ये नेकलेस कितने का है? ये 750 में आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त नेकलेस और उसके साथ इयर रिंग्स भी हैं। सोने का रेट तो आप सब जानते हैं कितना ऊपर चला गया। आप यहाँ पे आएँ और अपने पसंद से मैचिंग करके जो है ना आप यहाँ से ज्वेलरी भी खरीदें। दोस्तों, मैं इस वक्त एक जूतों के स्टॉल पे हूँ और ये नए जूते हैं, यहाँ पे आपको सेकंड हैंड प्लस न्यू दोनों कैटेगरी जो हैं वो मिलेंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि लेडीज़ जूतों की एक मैं शॉप पे हूँ, और इस तरफ बच्चों की जो है वो कैटेगरी भी सजाई गई है, और इसके अलावा कुछ ये जॉगर्स वगैरह भी नए मौजूद हैं।
तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको जो है कीमत उनकी जो है ना मार्केट से जो है वो लेस ही मिलती है। जैसे ही सेकंड हैंड कपड़ों की शॉप पे मैं जाता हूँ तो एक अजीब सी खुशबू जो है उसे जो भी कह लें एक स्मेल आती है, जैसे फरनाइल की नहीं होती। तो मेरा ख्याल है ये कपड़े बड़ी दूर से आते हैं उनमें ये रखा जाता है ताकि ये कपड़ा ख़राब ना हो। जी तो दोस्तों इस वक्त मैं एक और स्टॉल पे आया हूँ, ये भी एक नए कपड़ों का स्टॉल है। यहाँ पे जो है ना बच्चों और बड़ों के ट्रैक सूट्स और स्वेट शर्ट्स और इसके अलावा जो है जैकेट्स की जो है मुकम्मल जो है वैरायटी अवेलेबल है। ये एक गरम जो है वो ट्राउज़र की प्राइस जो है 550 और एक और कैटेगरी इनके पास 350, स्वेट शर्ट्स जो हैं वो 750। जैसे जैसे टाइम आगे गया अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो जैसे इन्फ्लेशन बढ़ी है तो रेट जो हैं वो भी नॉमिनल बढ़े हैं, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ा। ये आप देख सकते हैं हुडीज़ जो हैं वो तमाम कलर्स और वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं। इसके अलावा ट्रैक सूट्स भी इनके पास अवेलेबल हैं, जैसा कि आप ये स्टैचूज पे देख सकते हैं। इस वक्त मैं पहुंचा हूं एक सेकंड हैंड शूज़ की एक शॉप पे। यहाँ पे हर तरफ मुझे लेदर की एक जो है ना वो जो खुशबू कह ले वो आ रही है। तो यहाँ पे लेदर की जो ये शूज़ हैं मेल फीमेल जेंट्स और फीमेल और बच्चों की मुकम्मल वैरायटी, और ये बड़े ड्यूरेबल होते हैं, ये टूटते नहीं है, बगैर टूटे ऐसे इनको फेंकना पड़ता बाद में। खैर है, क्या बेच रहा है शाल? ये एक जो कैप शाल है कितने कितने का है, एक मतलब अंदाजा बताओ। 800 से लेके 1500 तक। तो 800 वाली बाद में 400 की देगा? नहीं देगा। फाइनल बताया मुझे 150 रुपए की बारगेनिंग कर सकता बस। चलो सही है। यहाँ पे सॉक्स और अंडरगारमेंट्स की एक मुकम्मल वैरायटी जो है ना वो अवेलेबल है। तो माशाल्लाह यहाँ पे इन्होंने कैश काउंटर भी कंप्यूटराइज जो है ना वो रखा हुआ है, यहाँ पे कैमरे भी लगे हुए हैं और जो है ना मुकम्मल यहाँ पे आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और सेफ्टी भी मिलेगी। वक्फे वक्फे पर दोस्तों आपको फूड स्टॉल जो है वो यहाँ पे नजर आएंगे, जो खरीदो फरोख्त के लिए फैमिलीज यहाँ पे आती हैं, बच्चे यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए यहाँ पे दही बल्ले बर्गर फ्राइज वगैरह वो तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस वक्त हम हैं ड्राई फ्रूट्स की शॉप पे। यहाँ पे ये मुझे को 50 कैटेगरीज तो कोई निम्को की ही नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा ये आगे ड्राई फ्रूट्स हैं। चल गोजे नहीं है भाई हैं, क्या रेट है? 7000 रुपये किलो, ना ही समझिए। ये सबस चाय और कहवा, लेमन ग्रास, पिशारी कावा, सोन हलवा, ये कोई मुरब्बा वगैरह, अचार चटनियाँ और मुल्तानी सोन हलवा। प्यारे दोस्तों यहाँ पर नुमाइश के ऑर्गेनाइज़र वकास अहमद साहेब यहाँ पर मौजूद लोगों के कारोबार की खैर बरकत के लिए दुआए खैर करवा रहे हैं। इसके अलावा मैं बताता चलूँ कि 4 नवंबर ब्रोज़ जुमा नमाज जुमा के बाद फोटो स्टेडियम लाहौर में ये इसी तर्ज की बहुत बड़ी सनती नुमाइश का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसी के साथ मोहम्मद आदिल को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।